हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कॉर्नर बाय वर्षा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू ऐड शेडो टू योर लेटर्स, एंड वीडियो के एंड में मैंने एक प्रैक्टिस वर्कशीट भी शेयर करी है। सो स्टार्ट करते हैं। हम सिर्फ तीन चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं, ब्लैक पेन, स्केच पेन एंड अ पेंसिल, दैट्स इट। यहाँ पर हम शेडो ऐड करने के लिए यूज़ करेंगे इंस्टाग्राम एंड ट्रेसिंग मैथड। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैथड से। यहाँ पर मैंने ब्लैक पेन से अपना वर्ड लिखा है गर्ल, और पेंसिल की हेल्प से मैं उसकी शेडो क्रिएट कर रही हूँ। फर्स्टली मैं आउटलाइन कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ आउटलाइन करके भी छोड़ सकते हैं या फिर उसे फिल भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से ये समझ सकते हैं कि शेडो किस तरफ क्रिएट होगी। तो उसके लिए आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है और स्टोरीज में क्रिएट पर जाना है। यहाँ पर आप अपना वर्ड टाइप कर लीजिए, देन अगेन सेम वर्ड टाइप कीजिए और कलर चेंज कर लीजिए। दोनों का साइज जो है सेम होना चाहिए। अब जो टॉप पे वर्ड है उसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मूव करा है और इस तरह से शेडो क्रिएट करी है। सेकेंड के लिए मैं जो टॉप पे वर्ड है उसे थोड़ा राइट साइड की तरफ मूव करूंगी और इस तरह से शेडो क्रिएट करूंगी। अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड, विच इज ट्रेसिंग। उसके लिए हमें एक पेपर पे अपना वर्ड लिखना होगा। अब इस पेपर को हम अपने मेन पेपर के नीचे रखेंगे, यू कैन सी इट्स विजिबल। अब हम इसे ट्रेस कर लेंगे। आफ्टर ट्रेसिंग जो नीचे पेपर है हम उसे थोड़ा सा मूव करेंगे इस तरह से। तो पेपर को मूव करने के बाद हमारे वर्ड के पास में उसकी शेडो विजिबल है। अब हम पेंसिल का यूज करके इसे आउटलाइन कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर इसे फिल भी कर सकते हैं। सो इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद यू विल बी एबल टू ड्रॉ शेडो बाय योरसेल्फ। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रही हूँ बुक। मैं यहाँ पर कोई शेडिंग नहीं करूँगी। जहाँ जहाँ पर इस वर्ड की शेडो है वहाँ वहाँ पर सिर्फ ब्लैक पेन से आउटलाइन करूँगी। ये भी एक वे है शेडो क्रिएट करने का।